सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अन अकेडमी पे। सो सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्लास को एंजॉय करते होंगे। एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप आज की क्लास में स्टैटिस्टिक्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है क्या सीखना चाहते हैं? क्या अपने दोस्तों को भी सिखाना चाहते हैं? जल्दी से इस बात को, इस सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि आज की क्लास में मैंने पहले ही रिवील कर दिया कि मैं क्या कराने वाला हूं। आज की क्लास में मैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों को स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल्स का पार्ट टू कराने वाला हूं, क्योंकि एक सीरीज ही तैयारी जीत की है कि जब हम तैयारी जीत की सीरीज को जब कर पाएंगे, जब हम एक बेहतरीन सा कॉन्टेंट आप सभी लोगों के साथ ले इस सीरीज में मैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों को एक बेहतरीन सा कंटेंट लेके आया हूं, जिसमें हम सभी लोग स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, जो कि बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स है। आप सभी लोगों को देख के बड़ी हैरानी होगी कि हम सभी लोग इतने सारे न्यूमेरिकल्स जो कि एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। बाकी अब हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, अन अकेडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और अगर हम लोग बात करें परफेक्ट एंटीविजिसनेट पार्टनर भी है। अगर हम लोग अन अकेडमी की बात करें तो पेपर वन कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन और ज्योग्राफी, इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेस है जिनके साथ आप लोग अन अकेडमी के साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लस और आइकॉनिक दोनों ही वेरिएंट में आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें प्लस और आइकॉनिक में तो क्या कॉमन फीचर्स है, तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस और टेस्ट का प्रॉपर तरीके से आप लोग एनालिसिस कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को समझो, प्लस के कुछ बेनिफिट्स जैसे इंडिया के बेस्ट एडुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड पीडीएफ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको देने का मौका मिलेगा। आइकॉनिक में ये सारी चीजें तो मिलेंगी, बट साथ के साथ आपको पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो अराउंड 20,000 का होगा, दैट इज 833 रुपीज पर मंथ, ठीक है। मगर यही जो कोर्स है, अगर आप क्या बोलते हैं इस कोड को इस्तेमाल करने के बाद खरीदते हैं SUCHIT10, तो अगर आप इस सुचित 10 को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और यही कोर्स आपको 18,000 का, मतलब 750 रुपीज पर मंथ का पड़ेगा। अगर हम लोग आगे बात करें तो अगर आप लोगों को कोर्स बाय करना है तो 26,000 का भी कोर्स पड़ सकता है, 26,000 का आइकॉनिक का कोर्स पड़ेगा, दैट इज 2167 फॉर 12 मंथ्स पर मंथ। बट अगर आप ये जो कोड है SUCHIT10, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं सो अगेन यू जस्ट गेट अ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, और यही कोर्स जो 2167 का था आपको 1950 का पड़ेगा, दैट इज 23400 फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। सो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़े तो बात को समझो ध्यान से, प्लस और आइकॉनिक दो ही वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप सब लोग प्लस और आइकॉनिक दोनों ही वेरिएंट में आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कुछ बेनिफिट्स मैंने बता दिए हैं, प्राइस हाइक के अलर्ट्स आप सभी के सामने हैं, आप लोग जल्दी से कोर्स को बाय कर लें, नहीं तो हो सकता है प्राइस हाइक हो जाए। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, ये टॉप फैकल्टीज की टीम है, टॉप एडुकेटर्स की टीम है इंडिया के, जो कि आप इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ आप लोग अपने कॉन्टेंट को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कॉन्टेंट पाया जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइज भी जीत सकते हैं। अगर स्पेशल क्लास के फीचर्स की बात करूं तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल्स द लर्नर, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर रह के आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। प्राइस हाइक के अलर्ट्स जैसा कि आ चुके हैं, तो आप सब लोग जल्दी से आप लोग क्लास को बाई कर लें, जिससे कि आप सभी लोगों को जो है वही सेम कोर्स मैक्सिमम प्राइस में ना खरीदना पड़े। तो आज की क्लास में चूंकि स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, आप सभी लोग रेडी हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, एक बार फास्ट जल्दी से जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार वीडियो को मैक्सिमम सा मैक्सिमम शेयर कर दें सभी लोग, जितने भी सभी लोग लाइव हैं एक बार। चलिए बिल्कुल सही है, तो मैं चलिए एक बार कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देना है आप सभी लोगों को, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करोगे तभी एक बेहतर कंटेंट आ पाएगा, ठीक है। तो मेरे विनर, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से आ जाओ, देखते हैं हम लोग। कम टू सॉल्व द स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल,
कम टू सॉल्व द स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल कम ऑन फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से फास्ट आ जाओ और हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। कम ऑन, स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक कुछ डेटा दूंगा, जो डेटा मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। मैं आप लोगों को कुछ डेटा दूंगा, उस डेटा से हम लोग क्या करेंगे। देखो, पिछली क्लास में हमने क्या दिखा था, पिछली क्लास में हमने मेरे प्यारे दोस्तों हमने रेंज कैलकुलेट करना सीखा था कि नहीं सीखा था। तो आज की क्लास में भी हम लोग रेंज कैलकुलेट करेंगे। जैसे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस का लोवेस्ट। बात यही कुछ थी, बोलो हाँ या ना, यही बात थी नहीं थी। सॉरी, ये तो वो ये रेंज का फॉर्मूला था। और कॉफिशियंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला था, कॉफिशियंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला था, किसी को पता है? अगर हम लोग रेंज का था फॉर्मूला, हमें पता है कि भाई हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट था। और कॉफिशियंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या था, बोलो कि हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ रेंज का मेरे प्यारे मित्रों फॉर्मूला था कि हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस का लोवेस्ट। बात कुछ इसी प्रकार से थी। तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूं, क्योंकि इसके बिहा पे मैंने क्वेश्चंस करा रखा था। एक क्वेश्चन आप सभी को दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन से आप सभी लोगों को रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई, उस क्वेश्चन से आप सभी लोगों को रेंज कैलकुलेट करना है। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि कैलकुलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हमें रेंज निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हमें कुछ फॉलोइंग डेटा से मेरे प्यारे मित्रों हमें रेंज निकालना है। जैसे अगर कुछ एग्जांपल दूं तो आप एग्जांपल के जरिए समझ पाएंगे। हमारे पास 20, 25, 30, 90, 70 और फिर हमारे पास 110 और फिर हमारे पास जो दिया 180 और फिर हमारे पास 120। ठीक है, ये हमारे पास दिया है, हमें रेंज निकालना है एंड कॉफिशियंट ऑफ रेंज भी निकालना है। चलिए जल्दी से बताइए मुझे, रेंज भी निकालना है हमको और हमें कॉफिशियंट ऑफ रेंज भी निकालना है। जल्दी से बताइए रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज क्या होगा। कम ऑन, जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज जल्दी से बताइए कितना होगा। कम ऑन फास्ट, जल्दी से बताओ। कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए, तो रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज आप लोगों ने निकाल लिया होगा, बहुत सिंपल था और आपको इसमें कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट, यही बात होती है। अगर रेंज की बात करें, हाईएस्ट नंबर क्या है बताओ, हाईएस्ट नंबर है सर 180, लोवेस्ट नंबर क्या है सर 20, तो हमारे पास कितना आ गया 160, तो रेंज हमारे पास 160 आ जाएगा। और अगर यही मैं कॉफिशियंट ऑफ रेंज की बात करूं, अगर मेरे प्यारे दोस्तों कॉफिशियंट ऑफ रेंज की बात करो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस का लोवेस्ट, यही बात है। तो कॉफिशियंट ऑफ रेंज होगा हाईएस्ट माइनस का 180 माइनस का 20 और 180 प्लस का 20। ठीक है, देख लेते हैं भाई। तो ये हमारे पास 160 अपॉन में कितना हो जाएगा बोलो, 200। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16 और ये हमारे पास 0.8। तो हमारे पास जो कॉफिशियंट है ना, वो कॉफिशियंट कितना है बोलो, 0.8। कॉफिशियंट कितना आएगा बोलो, कॉफिशियंट ऑफ रेंज 0.8 आएगा, मगर यही जो रेंज होगा वो 160 आएगा। जो रेंज होगा वो 160 आएगा और जो कॉफिशियंट ऑफ रेंज होगा वो हमारे पास 0.8 आएगा। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ या कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही, एक बार जरूर मुझे बताएं, एक बार जरूर बताएं। कम ऑन जल्दी से फास्ट। तो हमने अभी रेंज निकाला, फिर हमने कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकाला, समझ में आ गई बात, बोलो हाँ। चले ठीक है, तो हमने रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज हमने निकाल लिया था। हमने आपको बता दिया था कि एब्सोल्यूट मेजर का मतलब होता है, जब भी किसी डेटा को
एब्सोल्यूट मेजर का मतलब होता है जब भी किसी डेटा को अगर मैं किसी एक ओरिजिनल फॉर्म में, एक ओरिजिनल नंबर्स के फॉर्म में अगर मेजर करता हूं तो वो एब्सोल्यूट कहलाएगा। बट अगर किसी डेटा को अगर मैं रेशियो परसेंटेज, अगर मान के चलो कि कोई भी डेटा है अगर मैं उसको किसी रेशियो या किसी परसेंटेज के फॉर्म में मेजर करता हूं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, वो रिलेटिव मेजर कहलाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? सभी को आ रही है बात समझ में? एक बार जल्दी से मुझे यस और नो में जवाब देंगे। तो मैंने आप सभी लोगों को रेंज कैलकुलेट करना सिखा दिया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं ना? हमने आप सभी को रेंज कैलकुलेट करना सिखा दिया, बोलो हाँ है ना? ठीक है, चलिए कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से हम सभी लोग आगे बात करते हैं रेंज की। सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमने पता कर लिया, और रेंज हमने पता कर लिया कि किस तरीके से होता है। सो आगे बात करें हम लोग रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज पता कर लिया हमने। देखिए हमारे पास अगर हम लोग बात करें, बातों को बहुत ध्यान से समझना, देखिए हम लोग जो रेंज जो निकालेंगे ना, ध्यान से समझो, हम जो मेरे प्यारे मित्रों जो रेंज निकालेंगे, आप अभी समझ लो रेंज निकालना है हमको, वो हमारे पास तीन टाइप्स की सीरीज होती हैं। एक हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होगा, एक होगा हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, और फिर होता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, और फिर हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है ना, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज, फिर होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये हमारे पास तीन टाइप्स की सीरीज होती है, और तीनों टाइप्स की सीरीज में मुझे रेंज निकालना है। मेरी बात से सहमत हैं आप सभी लोग तो मुझे यस और नो में जवाब दें। अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं तो इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आप सभी को रेंज निकाल के दिखा दिया। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है मुझे बताइए। अभी जो भी हमने अभी रेंज पढ़ा है वो हमारा इंडिविजुअल सीरीज से मैंने रेंज निकाल के दिखाया है। कि आपके पास सिर्फ डेटा दिया होगा जिसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं दी होगी, आपके पास सिर्फ डेटा दिया होगा उसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं दी गई होगी, आपको सिंपल उस डेटा में से हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है और लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है आफ्टर अरेंजिंग द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें पहले उस डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम सभी लोगों को उसी सेम डेटा को क्या करना है बोलो, हमें उसी सेम डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे ही हम उस सेम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद एक हाईएस्ट वैल्यू निकालो और एक लोवेस्ट वैल्यू निकालो, और दोनों को हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर दो, रेंज निकल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो ही हाईएस्ट माइनस को लोवेस्ट किया वही आपने क्या कर देना, हाईएस्ट प्लस को लोवेस्ट कर दोगे, आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं कि यही रेंज अगर मुझे निकालना हो, अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं, यही रेंज या यही हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना हो तो हम इस कैसे निकालेंगे रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। देखिए बातों को बहुत ध्यान से समझना है, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे रेंज निकालते हैं। आगे बढ़े, कम ऑन बताइए, फास्ट बताइए। आगे बढ़े मेरे भाई, अब बात ये समझ में आती है भाई, अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है, अगर हमारे क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है, तो इस डिस्क्रीट सीरीज से कैसे हम कैसे इस डिस्क्रीट सीरीज से हम लोग मान के चलो भाई हम लोग रेंज निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे, इस डिस्क्रीट सीरीज से कैसे हम लोग रेंज निकालें या कैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें। बढ़े आगे, देखो कैसे निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज से रेंज या कोफिशिएंट ऑफ रेंज। जैसे मैं कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको समझ में आएगा, जैसे आइटम में मैंने एक्स दे दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है 3, 4, 5, 6 है ना 7, 8, 9 और 10 ये दिया हुआ है हमारे पास एक्स, ठीक है।
और फिर इनकी मेरे प्यारे मित्रों फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है बताओ, 35, 30, 20, 10, 35 और फिर हमारे पास ये 30 और फिर हमारे पास 20 और फिर कितना बोलो 10, 6, 3, 2, 1 कितना आएगा बोलो। फिर अगला जो आएगा हमारे पास वो आएगा 0, 6 और 0, 3 और 0, 2 और फिर 0, 1 आए ना, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से इसमें रेंज निकालना है या कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकालना है। बोलो मेरे साथ आए ना, एक हमें एक बार रेंज निकालना है और क्या करना है बोलो जल्दी से, फिर कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकालना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से स्टार्ट करें। हमें देखो फ्रीक्वेंसी से कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, सो हमें बस इसमें देखना है कि ये जो x जो डेटा है ना, हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज नहीं होना है। हमें जो x दिया हुआ है ना मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये जो x जो दिया हुआ है हमें इसी से निकालना है। देखो कैसे, आप ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास ये जो x जो हमारे पास दिया हुआ है, देखो तो इसमें x में देखो क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो हाईएस्ट, भाई फॉर्मूला क्या होता है अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला होगा हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट, और कॉफिशियंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होगा, कॉफिशियंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होगा हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट अपन में हाईएस्ट प्लस का लोवेस्ट। तो जो रेंज होगा, आप ध्यान से समझो, रेंज जो होगा हाईएस्ट कितना है बोलो, हाईएस्ट हमारे पास 10 और लोवेस्ट कितना 3, तो हमारे पास जो रेंज आएगा, सिर्फ रेंज आएगा वो 7 आएगा। कितना आएगा बोलो, 7 आएगा। बोलो हाँ ना, बट अगर हम लोग बात करें कॉफिशियंट ऑफ रेंज की, तो कॉफिशियंट ऑफ रेंज जो होगा वो आएगा क्या कि 10 माइनस का 3 अपॉन में 10 प्लस का 3, तो हमारे पास 7 है ना, मतलब हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, 7 अपॉन में कितना बोलो 13। तो इस तरीके से अगर मैं इसको कट करूंगा तो हमारे पास अराउंड आएगा कितना बोलो 0.54। तो इस तरीके से हमारे पास जो कॉफिशियंट ऑफ रेंज आएगा मेरे प्यारे मित्रों, कॉफिशियंट ऑफ रेंज जो आएगा वो आएगा 0.54। बात अगर समझ में आई तो एक बार जल्दी से यस और नो में कमेंट करके बता दें। ठीक है, सभी लोग एक बार जल्दी से यस और नो में कमेंट करके बता दें कि कैसे हमने कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकाला। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी, जरा सभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए, कोई परेशानी तो नहीं है, बोलो हाँ है ना। ठीक है, रेंज हमने निकाली, कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े, बोलो हाँ है ना। डिस्क्रीट सीरीज में देखो, हमने पहले इंडिविजुअल सीरीज में निकाला, फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज में निकाल लिया। सो कोई भी ऐसा कोई खास अंतर नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा मगर उसको हमें इग्नोर कर देना है। अब हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे रेंज निकालना है, अब हमारे पास अगर क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फिर हमको कैसे रेंज निकालना है, मुझे बता सकते हो कैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमको रेंज निकालना है। आइए देखते हैं एक बार, अगर हमारे पास जो है मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, मार्क्स दिया हुआ है हमारे पास, मान के चलो 10 से 20, 20 से 30 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, और फिर हमारे पास 50 से 60 और फिर 60 से 70, ये हमारे पास मार्क्स दिया हुआ है। क्लियर है ना, ये हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों मार्क्स दिया हुआ है। तो 10, 15, 25, 30, 11, 6, तो 10, 15, 25, 30 है ना, 10, 15, 25, 30 और फिर क्या बोलो 11 और 6, ये हमारे पास मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इसमें अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे मुझे बताइए, कैसे निकालेंगे आप लोग रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज, बताइए फास्ट।
चलिए बताइए जल्दी से, कम ऑन जल्दी से बताइए, फास्ट जल्दी से, कम ऑन, सभी लोग बताएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, ध्यान समझो, ये जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज का अगर आपको रेंज निकालना है, ठीक है, आप समझो ध्यान से, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज का अगर आपको मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों का रेंज निकालना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर आपको रेंज निकालना है या आपको कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकालना है, तो थोड़ा सा आपको अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझते, देखो क्या हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो मेथड होंगे। एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज में रेंज निकालने के लिए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मेथड, और एक होगा हमारे पास सेकंड मेथड। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने आपसे पूछा मगर आपका कोई रिप्लाई नहीं है। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है फर्स्ट मेथड और एक क्या होगा बोलो, सेकंड मेथड। ये सर फर्स्ट मेथड क्या होता है जी गुरुजी? फर्स्ट मेथड ये होता है सिंपल, आपके पास जो भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उसमें से आप फाइंड आउट कर लें कि जी हाईएस्ट कौन सा है और लोवेस्ट कौन सा है, ठीक है। जैसे अगर मुझे इस फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग रेंज निकालना है, तो हाईएस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है, 60 और 70, सो जो कि सबसे लास्ट वाला है, और लोवेस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है, 10 और 20, बोलो हाँ है ना। तो इन सारे हाईएस्ट क्लास इंटरवल में सबसे मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बोलो, 70 है माइनस का, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है बोलो, 10 है, ठीक है। तो रेंज हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, 60 आ जाएगा। इस तरीके से अगर इसी क्वेश्चन को कॉफिशियंट ऑफ रेंज के तहत में कैलकुलेट करोगे, तो कुछ नहीं करना है हमें कि 70 माइनस का 10 अपॉन में 70 प्लस का 10 है ना, तो हमारे पास ये 60 अपॉन में कितना आ जाएगा बोलो, 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम लोग इसको अगर निकाल दें तो हमारे पास अराउंड आएगा 0.75 है ना, निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसी डेटा को मैं अगर सेकंड मेथड से निकालूं, मेरे प्यारे मित्रों सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड ये कहता है कि कैसे सेकंड मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकंड मेथड ये कहता है कि आपके पास जो भी डेटा है ना, अगर आपको डेटा सेकंड मेथड से निकालना है, तो एक काम करिए, जो पहले तो ये निकालिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ठीक है, और लोवेस्ट क्लास इंटरवल, सबसे हाईएस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है, सबसे लोवेस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है, हाईएस्ट क्लास इंटरवल और लोवेस्ट क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालो, क्या निकालना है बोलो, मिड वैल्यू निकालना है। मेरे प्यारे मित्रों समझो ध्यान से, बस हो गया बात खत्म। हमारे पास जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल है वो, जो हमारे पास लोवेस्ट क्लास इंटरवल है वो, उसका अगर हम लोग मिड वैल्यू निकाल लेंगे, तो मिड वैल्यू से हम सभी लोगों को क्या निकल जाएगा बोलो, हमारा रेंज निकल जाएगा। आइए जैसे इस क्वेश्चन में करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम लोग देखें रेंज निकालें सेकंड मेथड से, देखिए रेंज हमारा फर्स्ट मेथड से भी आंसर आएगा और सेकंड मेथड से भी आंसर आएगा, दोनों के आंसर डिफरेंट होंगे, फर्स्ट मेथड के भी आंसर डिफरेंट होंगे और सेकंड मेथड के भी आंसर डिफरेंट होंगे, बट डोंट मेक कंफ्यूज कि हमारा वो आंसर गलत होगा, नहीं, फर्स्ट मेथड का आंसर जो आपने जिस तरीके से निकाला है वो भी सही होगा, और सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग आंसर निकाला है तो भी सही होगा। आपको इन दोनों में से कोई भी एक मेथड आना चाहिए, बोलो मेरे साथ आए ना, बोलो जल्दी से, ठीक है, आपको दोनों में से कोई ना कोई एक मेथड जरूर आना चाहिए। जैसे देखिए इस सिचुएशन में करेंगे क्या, देखो ध्यान से रेंज निकालना है, आप समझो ध्यान से, सबसे पहले एक बात बताओ, हाईएस्ट क्लास इंटरवल क्या है, हाईएस्ट क्लास इंटरवल है मेरे प्यारे दोस्तों 60 से 70, तो 60 से 70 के बीच में कोई वैल्यू बताओ, तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालो तो 130 आ जाएगा। लोअर मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, L1 प्लस का L2 अपॉन में 2, यही तो होता है ना, तो हमारे पास कितना 130 अपॉन में कितना 2, तो हमारे पास इसका बीच की वैल्यू कितनी है कि 65, कितने की बीच की वैल्यू 65 है ना, तो इसका जो मिडल वैल्यू है कितनी बोलो 65। इस तरीके से इसका लोवेस्ट क्लास इंटरवल कितना है 10 और 20, तो इसका मिड पॉइंट कैसे आएगा बोलो, इसका मिड पॉइंट मेरे प्यारे मित्रों कैसे आएगा, तो वही सिंपल सी बात है, लोअर लिमिट प्लस का अपर लिमिट अपॉन में 2, L1 प्लस का L2 अपॉन में 2, तो 10 प्लस का 20 अपॉन में 2 है ना, 30 अपॉन में कितना बोलो 2, ठीक है, और आएगा कितना बोलो 15 आया ना, कितना आएगा बोलो 15 आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़े, देखो ध्यान से समझना, तो 65 आ गया और कितना आ गया बोलो मेरे भाई 15 आ गया, तो अगर हमें रेंज निकालना है तो रेंज क्या हो जाएगा बोलो 65 माइनस का 15, 65 माइनस 15, और कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकालना है, कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकालना है तो 60 10 65 से 15 कितना आ जाएगा बोलो 50 आ जाएगा,
50 आ जाएगा। तो रेंज इसका कितना आएगा बोलो, 50 आएगा। और अगर मैं कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकालू तो 60 माइनस का 15 यहाँ आ जाएगा और 60 प्लस का 15 यहाँ आ जाएगा। अब आप आराम से इसको वैल्यू कैलकुलेट करके निकालोगे तो अराउंड इसका आंसर आएगा 0.625। क्या आएगा देखो, 0.625 आ रहा है। मेरे प्यारे मित्रों इस बात को समझो, हमारा सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही आंसर है और फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग भी जो हमने निकाला वो भी सही आंसर है। भले ही मैच नहीं कर रहा है डेटा, उस बात से कोई मतलब नहीं है, मगर जो हमने निकाला है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, हमने जो निकाला है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चले आगे बढ़ें। सभी लोग तैयार हैं, हमने रेंज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले अभी तक हमने पढ़ा क्या है, हमने मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ा क्या कि कैसे रेंज कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा ना कैसे रेंज कैलकुलेट करते हैं, कैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल हाईएस्ट माइनस क्लोवेस्ट, डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्स दिया हुआ है उसमें हाईएस्ट माइनस क्लोवेस्ट कर दो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में या कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करना है, दो मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में आप क्या करो कि जो सबसे हाईएस्ट क्लास इंटरवल है उसको दिखाओ, उसको देखो, और जो सबसे लोवेस्ट क्लास इंटरवल है आप उसको देखो। अब हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट मतलब क्या, उस जैसे 60 से 70 था तो सबसे हाईएस्ट क्या था 70, और फिर हमारे पास लोवेस्ट में 10 से 20 था तो लोवेस्ट क्या हुआ 10, 70 में से 10 को माइनस कर दो तो 60 आ जाएगा, ये था। और सेकंड मेथड में क्या था कि हमारे पास जो भी हाईएस्ट क्लास इंटरवल हैं, जो भी लोवेस्ट क्लास इंटरवल हैं, उनके मिड पॉइंट्स का अगर मैं निकाल लूं, अगर उनके मैं मिड पॉइंट्स के जरिए भी मैं रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकाल सकता हूं, उनके मिड पॉइंट के जरिए भी मैं रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज आसानी से निकाल सकता हूं, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है सर कि दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, बिल्कुल आएगा आंसर डिफरेंट, तो वो आंसर जो डिफरेंट आएगा वो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आंसर डिफरेंट आ सकता है बट आपका आंसर सही होगा, ये बात परफेक्ट है। ठीक है, दोनों मेथड के थ्रू आंसर मेरे प्यारे मित्रों थोड़ा सा डिफरेंट आता ही है, बोलो हाँ है ना। चलिए इतनी बात समझ में आई, एक बार जल्दी से बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताओ, कम ऑन जल्दी से, फास्ट कम ऑन जल्दी से, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास है 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, और 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है, 40 से 50 सॉरी, फिर हमारे पास 50 से 60, ठीक है, ये है। और फिर हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना, 2, 3, 5, 2, 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जल्दी से, आप सभी को रेंज निकालना है और कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकालना है, रेंज निकालना है और कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकालना है, एक बार जल्दी से निकाल के दिखाइए। दोनों निकालना है आपको, एक आपको दोनों ही आपको फर्स्ट मेथड से भी एक बार निकालना है और बताना है कि कितना आंसर आया, और फिर आपको सेकंड मेथड से भी निकालना है, बताना है कितना आंसर आया। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही मेथड से आपको निकाल के दिखाना है और बताना है मुझे कि सर मेरा इतना आंसर आ रहा है। जल्दी से मुझे बताइए रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज कितना आंसर आएगा, कम ऑन, जितने भी सभी लोग लाइव एस्पिरेंट्स हो एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज कितना आंसर आएगा, फास्ट बताओ मेरे प्यारे मित्रों जल्दी से, फास्ट बताओ जल्दी से।
चलिए आगे बढ़े। देखो ध्यान से, रेंज में हम लोग फर्स्ट और सेकंड में, होपफुली आप लोगों ने रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकाल लिया होगा फर्स्ट और सेकंड मेथड से। जल्दी से फास्ट कैलकुलेट करिए, कम ऑन जल्दी से फास्ट। आगे बात करते हैं हम सभी लोग। देखो रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मेथड से, ठीक है। आगे बात करें देखो ध्यान से, रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो अब इसी तरीके से आपके 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 एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है और आप सभी लोग आप एग्जाम में क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप आराम से इस आइटम्स को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ है ना। एक मैं आपको एक डेटा और सिखाता हूँ, जिस डेटा में हमारे पास बेसिकली इंक्लूसिव सीरीज होगा, है ना, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज का भी कैसे हम लोग रेंज निकालते हैं। देखिए अगर हमारे पास डेटा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे मेरे पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 to 7, देखो ये लिखा हुआ है 5 to 7, फिर 8 to 10 लिखा हुआ है, 8 to 10 लिखा हुआ है, फिर हमारे पास लिखा हुआ है 11, 13, 14, 16, 11 से 13, और फिर 14 से 16, और फिर हमारे पास लिखा हुआ है क्या 17 से 19, ठीक है ना, 17 से 19, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को समझो ध्यान से। अब हमको क्या करना है कि 20, 18, 10, 20, 18 हमारे पास है, 20, 18, 10, 8, 4, क्या लिखा है 20, 18, 10 और 8, और ये कितना बोलो 4, तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया बोलो, ये हमारे पास क्लास इंटरवल हो गया, और हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। जरा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है ना, हमारे पास क्लास इंटरवल हो गया, और क्या हमारे पास क्या हो गया बोलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। एक बार आपको क्या करना है इसका, अब आपको रेंज निकालना है, एक बार इसको इसका आपको रेंज निकालना है, और एक बार इसका कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए चूंकि ये जो सीरीज है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है ये इंक्लूसिव सीरीज है, तो इस सीरीज को पहले आप कन्वर्ट करो, ठीक है। और ये कन्वर्जन आपने सीखा होगा, आपको क्या करना है कि पहले 0.5 इसमें से माइनस करना है, और फिर 0.5 इसमें से प्लस करना है। हमेशा क्या करते हैं कि जो लोअर लिमिट होगा, ये बात समझो ध्यान से, क्योंकि हमें इनको इक्वल क्लास इंटरवल बनाना होता है। जैसे यहाँ पे 5 से 7 है, तो अगली सीरीज भी 7 से 9 होना चाहिए, 9 से 11 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सीरीज ही देखो 5 से 7 है, फिर अगले 8 से स्टार्ट हो रही है, 5 से 7 है, फिर अगले 8 से स्टार्ट हो रही है, तो इस प्रकार से कोई सीरीज नहीं होनी चाहिए हमारे पास। कि जो लोअर लिमिट सीरीज है, वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है, मतलब अगले, मैं ये बोल सकता हूँ क्या, अगले जो एक क्लास का अपर लिमिट है, वो अगली क्लास के लोअर लिमिट से मैच करना चाहिए। ये जो अपर लिमिट है, वो अगली क्लास के लोअर लिमिट से क्या करना चाहिए बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैच करना चाहिए। आइए देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके लिए क्या करना होता है कि मैच कैसे करें। कि जो लोअर लिमिट होगा उसमें से 0.5 जो है, लोअर लिमिट जो होगा उसमें से 0.5 माइनस करना है, और फिर जो हमारे पास अपर लिमिट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, समझो
जो मेरे पास अपर लिमिट होगा उसमें 0.5 जो होगा ना, 0.5 जो होगा अपर लिमिट में ऐड करना है। बात समझ में आ रही ना? लोअर लिमिट में 0.5 आपको माइनस करना है, समझो ध्यान से, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। देखो इससे 5 है तो माइनस कर दो तो 4.5 आ जाएगा और माइनस का, और जो भी हमारे पास अपर लिमिट है उसमें से 0.5 ऐड करना है तो ये कितना जाएगा बोलो, 7.5। इस तरीके से जो लोअर लिमिट होता है, शर्त यही तो थी लोअर लिमिट में 5.5 माइनस करना है तो ये कितना देगा 7.5, और ये कितना हो जाएगा बोलो 10.5, क्योंकि अपर लिमिट में प्लस करना होगा। अगेन यही जो लोअर लिमिट में चूंकि माइनस करना है तो 10.5 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से 13.5। इस तरीके से जो ये 14 का क्या हो जाएगा 13.5 माइनस का, ये 16.5। इस तरीके से आगे अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास 16.5 हो जाएगा माइनस का 19.5। देखो अब आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ध्यान से कि कैसे हमने ये सारे क्लास इंटरवल को बराबर कर दिया। ये देखो 7.5 यहाँ है तो यहाँ भी 7.5 है, यहाँ 10.5 है तो यहाँ भी 10.5 है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब आपको रेंज निकालना है तो अब आप लोग रेंज निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, जो भी हाईएस्ट वैल्यू है कितनी, हाईएस्ट वैल्यू 19.5 यही ना, 19.5 माइनस का लोवेस्ट वैल्यू कितनी 4.5, तो अब आप लोग निकाल सकते हो। और अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो क्या, कि हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस का लोवेस्ट, जो कि क्या जाएगा बोलो 19.5 माइनस का 4.5 अपॉन में 19.5 प्लस का 4.5। आया ना, किसी बात में कोई तकलीफ है मुझे जल्दी से मुझे रिप्लाई करें, जल्दी से मुझे बताओ, कम ऑन जल्दी से, फास्ट फास्ट बताइए जल्दी से, कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, एक बार जल्दी से फास्ट बताइए। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जरा सा भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़े, बोलो हाँ है ना, चल मैं आप सभी को अब आगे लेके चलता हूँ। अगली सीरीज में मैं आप सभी लोगों को लेके चलता हूँ। देखिए अगर मैं रेंज की मैं बात करूँ, रेंज की बात करूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो रेंज के मैं मेरिट्स की बात करता हूँ, मेरिट्स की बात करूंगा तो मेरिट्स में देखो क्या क्या रेंज आएगा। सबसे पहले इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन, एक सबसे पहली बात तो सिंपल कैलकुलेशन होती है मेरिट्स, और पूरे फुल डेटा का, पूरे फुल जो भी हमारे पास पूरा फुल डेटा होता है उसका एट अ ग्लेंस मतलब क्या, एक मतलब कि समराइज रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड कर देता है। बोलो मेरे साथ आए ना, एक ब्रॉड पिक्चर जो है ना ऑफ द डेटा जो है वो बिल्कुल क्लियर कर देता है कि इसका ये रेंज इतने से इतने के बीच में लाई कर रहा है। और सबसे पहली बात, सबसे दूसरी बात ये क्या है बोलो, कि ये एक बेसिकली क्विक मेजर डेटा है, मतलब हाई जो भी हमने डेटा देखा, जो सबसे हाईएस्ट में हाईएस्ट डेटा है वो, जो लोवेस्ट डेटा है वो हाईएस्ट में लोवेस्ट को माइनस कर दिया, रेंज आ गया, तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगा। ये हमारे पास मेरिट्स हैं मेरे प्यारे मित्रों, हमारे पास किसके बोलो, रेंज के। तो ये हमारे पास रेंज के कुछ हमारे पास मेरिट्स दिए हुए हैं। होपफुली आप सभी लोग बात को समझ पा रहे होंगे, जरा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है ना, बोलो हाँ है ना। देखिए अगर आपको एक बात और सीखना है कि भाई हम रेंज की स्टडी क्यों करते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वाई वी नीड टू स्टडी द रेंज, अगर आपसे कोई ये पूछे वाई वी नीड टू स्टडी द रेंज, अगर आपसे कोई बस इतना पूछे, ध्यान से समझो, हम लोग बोले कि भाई वाई वी नीड टू स्टडी द रेंज, कोई मुझे बता सकता है? चलिए देखते हैं कितने सभी ऐसे स्टडी लोग हैं, वाई वी नीड टू स्टडी द रेंज, हम लोग रेंज या कोफिशिएंट ऑफ रेंज को क्यों पढ़ते हैं, मुझे बताइए, हम लोग रेंज या कोफिशिएंट ऑफ रेंज को क्यों पढ़ते हैं, कोई मुझे बता सकता है? सभी लोग जितने भी लोग लाइव हैं एक बार जल्दी से मुझे बताइए, हम लोग रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज को क्यों पढ़ते हैं, बताइए जल्दी से फास्ट।
और एक बात और लिख लो क्या कि जो रेंज होती है ना, रेंज कभी भी ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा। ओपन एंडेड मतलब क्या, जैसे मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, इस टाइप की जो सीरीज जो होती हैं उस सीरीज में हम लोग कभी भी रेंज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 50, तो ये जो कुछ सीरीज है इस सीरीज में कभी भी हम लोग रेंज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक रिमाइंडर तरीके से मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको स्टार मार्क करके लिख दीजिए क्या कि रेंज इज नेवर कैलकुलेटेड। बात समझो ध्यान से, रेंज कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा, रेंज इज नेवर कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड ऑन ओपन एंडेड सीरीज, ठीक है ना, ऑन ओपन एंडेड सीरीज की जो भी हमारे पास ओपन एंडेड सीरीज होती है ना, समझो ध्यान से, ओपन एंडेड सीरीज होती है तो उनमें कभी भी हम लोग रेंज कैलकुलेट नहीं करते, रेंज इज नेवर कैलकुलेटेड इन ओपन एंडेड सीरीज। बोलो मेरे साथ है ना, जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं, कम ऑन। चल आगे बढ़े, होपफुली आपको बात समझ में आ गया होगा कि रेंज जो है हम लोग कभी भी ओपन एंडेड सीरीज में कैलकुलेट नहीं करते। देखिए हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि भाई कि हम लोग क्यों रेंज को, रेंज की क्यों स्टडी करते हैं, व्हाई वी नीड टू स्टडी द रेंज, व्हाई वी नीड टू स्टडी द रेंज। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है बोलो, सबसे पहली बात देखो क्या, स्टडी पर्पज से, स्टडी पर्पज अगर हमें ये देखना है क्या कि जो कॉमोडिटी की जो प्राइस है, अगर हमें ये देखना है क्या कि कोई कॉमोडिटी है और कमोडिटी की अगर मान के चलो कोई प्राइस है, बात को समझो ध्यान से, कमोडिटी की कोई प्राइस है तो अगर हमें ये देखना है कि भाई कि कितना मैक्सिमम जा रहा है उसकी प्राइस और कितनी मिनिमम है। जैसे इस टाइम पे अगर मैं बोलूं कि एक टाइम था आलू की जो कीमत थी ना वो 2 रुपये एक किलो था और आज 20 रुपये किलो है, तो इसका मतलब क्या रेंज जो हो गया 20 माइनस 2 निकाल सकते हो 18 है कि नहीं है। तो एक मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस में कितना फ्लक्चुएट कर रहा है उसकी स्टडी करने के लिए भी हमें रेंज की ज़रूरत पड़ती है, समझ में है ना। इस तरीके से अगर हम लोग दूसरी बात करें, देखो ध्यान से, इस तरीके से अगर हम लोग दूसरी बात करें, बातों को बहुत ध्यान से समझना, इस तरीके से हम लोग दूसरी बात करें तो हमारे पास जो होगा ना, हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं रेंज को, डे टू डे लाइफ में भी ज़रूरत पड़ती है। कैसे, जैसे अगर हम लोग शॉपकीपर मतलब अगर हम लोग जब दुकान पर जाते हैं तो बोलते हैं ना भैया एक बात बताओ आप मिनिमम कितने से आपका रेंज क्या है, अभी क्या पूछता है आपका बोलो। जो शॉपकीपर होता है जब हम कोई भी सामान बाई करने जाते हैं, कोई खरीदने जाते हैं सामान, तो शॉपकीपर क्या पूछता है कि सर बताइए आपका रेंज कितना है, यही तो पूछता है ना। डे टू डे लाइफ में भी हम लोग रेंज का इस्तेमाल करते हैं और शॉपकीपर पूछता है क्या कि सर आप बताइए आपका रेंज कितना है, मतलब आप मैक्सिमम कितना हमारे पास जो है खरीद सकते हैं, मिनिमम कितना। तो हम लोग बोलते हैं ना यार कि भाई मिनिमम 500 का होना चाहिए और मैक्सिमम 2000 से ऊपर नहीं शर्ट दिखाओ। मैं गया किसी दुकान पे और मैंने बोला भाई मुझे शर्ट दिखा दो, तो जरूर पूछेगा आपका रेंज कितना है। मैं बोलूँगा भाई 500 से ऊपर दिखाना बट 2000 से नीचे दिखाना, तो 500 से 2000 के बीच में जो है वो वैल्यू की मतलब दिखाएगा। दैट इज कॉल्ड के डे टू डे लाइफ में भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात करें सी वेदर फोरकास्ट के लिए भी देखते हैं, वेदर फोरकास्ट के लिए भी मेरे प्यारे दोस्तों समझो, वेदर फोरकास्ट के लिए भी मतलब क्या, अगर आपने देखा होगा वेदर फोरकास्ट के लिए कि वहां पे भाई मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बोलो, रेंज से करते हैं, क्योंकि रेंज में क्या होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट होता है। तो वेदर फोरकास्ट भी एक ऐसा हमारे पास मतलब मेन रीजन है जिससे कि हम लोग रेंज को फाइंड आउट करते हैं। रेंज इज ऑल्सो हेल्प टू कैलकुलेट द वेदर फोरकास्ट, आपने देखा भी होगा वेदर फोरकास्ट में हम सभी लोग क्या करते हैं बोलो, रेंज कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के जरिए। हाँ है ना, बात सभी को समझ में आ गई, बोलो जल्दी से ये सुनो, जल्दी से कम ऑन, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी तो नहीं है। और बाकी क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए, देखो आप लोग अगर लिखना चाहो तो एक और भी लिख सकते हो क्या, क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे भाई,
कि भाई क्वालिटी जो है कितनी मिनिमम क्वालिटी इतनी होनी चाहिए भाई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, देखो यार ज्यादा ही बेकार मत बना देना, है ना, इतनी मिनिमम तो क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, और भाई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनानी, मैक्सिमम क्वालिटी इतनी होनी चाहिए। तो इस टाइप से भी हमें डेटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें रेंज की जरूरत पड़ती है। बात मेरी होपफुली समझ में आ गई होगी, जरा सा भी कोई दिक्कत हो कोई परेशानी नहीं होगी, बोलो मेरे साथ हाँ है ना, जरा सा भी कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मुझे जल्दी से बताइए। अभी तक कोई भी दिक्कत है मुझे बताइए, कम ऑन। चलिए देखें आगे आगे बात करते हैं। देखो हम लोग बात करेंगे क्या क्वार्टाइल डेविएशन की। एक अगला हमारे पास जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है मेरे प्यारे मित्रों, वो हमारे पास है क्वार्टाइल डेविएशन की। क्या है बोलो? क्वार्टाइल डेविएशन की, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, क्वार्टाइल डेविएशन की, क्वार्टाइल डेविएशन की। थोड़ा सा यार मैं सोच रहा हूँ ना कि इसका जो वो है ना ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा है, इसको हम ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। वेट करो, होल्ड करो। ब्राइटनेस है ना, वेट फॉर अ सेकंड, मैं ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दूं, देखो पूरा फुल ब्राइटनेस है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या क्वार्टाइल डेविएशन की, ठीक है। देखो अभी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले तो उसने मेरी हालत खराब कर दी थी, बहुत ज्यादा एक्सेस ब्राइटनेस थी यार, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन की, कैसे हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। सभी लोग रेडी हो? बोलो हाँ है ना। अरे यार ये तो दिक्कत पैदा करेगा। चल देखें आगे बढ़े। देखिए हमारे पास जो अगला जो पॉइंट है, अरे यार ये क्या कर रहा है भाई, ठीक है।
हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले क्वार्टाइल डेविएशन। बढ़े आगे, देखिए जो क्वार्टाइल डेविएशन होगा, देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपके पास जो क्वार्टाइल का मतलब होता है, देखो यहाँ पे जो क्वार्टाइल है ना, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब होता है क्यू यू ए, क्वा मतलब होता है चार। जब डेटा को हम लोग किसी चार टुकड़े में बांट देते हैं तो हमारा क्वार्टाइल होता है। जैसे एक हमारे पास डेटा है, एक लाइन है, इस लाइन को चार टुकड़े में बांट देना, वो हमारा क्वार्टाइल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टुकड़ा ये हो गया, दो टुकड़ा ये हो गया, तीन टुकड़ा ये हो गया, चौथा टुकड़ा हमारा ये है। तो जो एक टुकड़ा है होगा वो क्या बोलेंगे, बोलो हमारा 25% होगा, बोलो हाँ है ना। बोलो दूसरा टुकड़ा कितना होगा, बोलो 25% होगा। तीसरा टुकड़ा भी क्या होगा, बोलो 25% होगा, है ना। चौथा टुकड़ा भी हमारा ये क्या बचा, चौथा टुकड़ा बचा, बोलो हाँ है ना। देखो चौथा टुकड़ा बचा तो ये अपने आप में भी क्या होगा, बोलो 25% होगा, बोलो हाँ है ना, ये भी 25% होगा। तो 25% इतना है, ये 25% इतना है, ये 25% इतना है, ये 25% इतना है, बोलो हाँ है ना। तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जो पहला जो 25% है उसको हम लोग बोलते हैं Q1, क्योंकि भाई पूरे डेटा का 25% है, मतलब 25% है, Q1 बोल दिया। बट एक बात बताइए, जो ये जो डेटा होगा, ये डेटा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो Q3। क्या बोलेंगे बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, Q3 बोलेंगे, बोलो मेरे साथ है ना, इसको क्या बोलेंगे, बोलो Q3 बोलेंगे, नहीं ये बस हमें, बोलो हाँ है ना। और इस तरीके से जो ये जो डेटा होगा उसको हम लोग बोलेंगे Q2। क्या बोलेंगे बोलो, Q1। देखो हमने जो पहले पार्ट को हमने डिवाइड कर दिया क्या Q1, दूसरे वाले को बोल दिया Q2, और तीसरे वाले को बोल दिया हमने क्या Q3, ठीक है ना भाई। इसको भी Q4 बोल सकते हैं, मगर हमें Q4 बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस Q1, Q2 और Q3 हमें आइडेंटिफाई करना था। मेरी बात आ रही सुनने, क्योंकि हमें थर्ड क्वार्टाइल है, बोलो हाँ है ना, जरा सा भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोल जल्दी से। अगर Q1 हमारा 25% है तो Q3 कितना होगा, बोलो हमारे पास 75%, और वो 75% को शो भी कर रहा है, बोलो हाँ है ना। Q4 कितना होगा, Q मतलब कितना, 25, तो 4 × 25 कितना, 100%, क्लियर है ना। तो Q1, Q2 और Q3 हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब ये हमारे पास जो है ना, ये हमें जो है, ये हमारे पास Q1, Q2 और Q3 हमारे पास आ गया। इतनी बात समझ में, एक बार जल्दी से मुझे बताइए, इतनी बात समझ में आई सभी को, यस और नो बताइए फास्ट, कम ऑन। देखो बेसिकली ये हमारे पास जो क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन में सबसे पहले हम लोग, देखो ध्यान से समझो, क्वार्टाइल डेविएशन में हम सभी लोग देखो क्या पढ़ेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन में मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या पढ़ेंगे बोलो, क्वार्टाइल डेविएशन में पढ़ने वाले हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या पढ़ेंगे बोलो मेरे साथ, क्वार्टाइल डेविएशन में पढ़ेंगे हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या पढ़ेंगे बोलो, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज क्यों निकालते हैं मुझे बता सकते हो? इंटर क्वार्टाइल रेंज हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि देखो हमने रेंज में क्या कैलकुलेट किया था, देखो ध्यान से, हमने रेंज में क्या कैलकुलेट किया था। तो आप कहोगे सर हमने रेंज में सिर्फ इतना कैलकुलेट किया था, भैया दो हाई, एक हाईएस्ट वैल्यू ली, एक लोवेस्ट वैल्यू ली, हाईएस्ट में लोवेस्ट को माइनस कर दिया और रेंज निकल के चला गया, यही कैलकुलेट किया था ना हमने। हमने रेंज में क्या कैलकुलेट किया, एक हाईएस्ट वैल्यू ली और एक लोवेस्ट वैल्यू ली और हमने माइनस कर दिया, आराम से रेंज आ गया। मगर अब जो हाईएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू ली और हमने जो लोवेस्ट वैल्यू दी ली, जो रेंज आया है उसका डेटा पे क्या इफेक्ट पड़ा है ना, उस एक्सट्रीम वैल्यू जो आई है हमारे पास, जो हाईएस्ट वैल्यू का जो रेंज है, जो लोवेस्ट वैल्यू का जो रेंज है, उसका डेटा पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ये हम रेंज में इग्नोर कर देते हैं। नहीं ये बस है ना मेरी, जो रेंज में हमने जो हाईएस्ट वैल्यू ली, जो हमने लोवेस्ट वैल्यू ली, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू का डेटा पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, लोवेस्ट वैल्यू को क्या डेटा पे इंपैक्ट पड़ रहा है, या जो रेंज आया है वो रेंज डेटा पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए वो रेंज नहीं कैलकुलेट कर पाता। इसलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इसलिए कैलकुलेट करते हैं जिससे कि हम लोग ये बता सकें
कि जो एक्सट्रीम वैल्यू आई है वो एक्सट्रीम वैल्यू जो रेंज के द्वारा आई है वो एक्सट्रीम वैल्यू डेटा पे क्या प्रभाव डाल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से हाँ या ना, बोलो जल्दी से, कम ऑन। बोलो जल्दी से हाँ या ना, कम ऑन। सो एक बात समझो ध्यान से कि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, समझो ध्यान से कि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा, बातों को ध्यान सुनना कि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस का Q1। क्या होगा बोलो? इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला ही होता है क्या? Q3 माइनस का Q1। Q3 माइनस का Q1 जो होगा वो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होगा। किसका फॉर्मूला होगा बताओ? बोलो बोलो जल्दी से, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होगा Q3 माइनस का Q1। जरा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है ना। और फिर अगर हम लोग बात करें क्वार्टाइल डेविएशन की, क्वार्टाइल डेविएशन इसका एक फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल डेविएशन की। सो क्वार्टाइल डेविएशन भी हमारे पास एक बात होती है। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। क्या होगा बोलो मेरे प्यारे दोस्तों? Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। मगर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज को अगर हम लोग हाफ से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा बोलो? क्वार्टाइल डेविएशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? क्वार्टाइल डेविएशन बन जाएगा। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज नोन एज द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, जो क्वार्टाइल डेविएशन जो होगा हाफ ऑफ द, अच्छा इस जो Q3 को हमने बोला, देखो एक बात और समझ लो, ये देखो एक और बात आपको मैं समझा देता हूँ जो अभी अपने दिमाग में अपने बिठा लेना है। ये जो Q3 है ना, ये जो Q3 है, इस Q3 को हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलेंगे क्या? अपर क्वार्टाइल। क्या बोलेंगे बोलो? अपर क्वार्टाइल। ठीक है ना, अपर क्वार्टाइल बोलेंगे। और जो Q1 है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। बात आ रही है इसमें? Q3 को हम लोग बोलेंगे अपर क्वार्टाइल और Q1 को क्या बोलेंगे? लोअर क्वार्टाइल। इसी तरीके से हम लोग डेटा को कैलकुलेट करेंगे। जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि बात आपको समझ में है, यस और नो, यस और नो में जवाब दे जल्दी से बताइए, कम ऑन। आगे बढ़े बात, आगे चलें, कमान मित्रों बताइए जल्दी से, फास्ट आगे बढ़ें। सभी लोग बताएंगे एक बार जल्दी से, ये क्वार्टाइल डेविएशन सन में है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो किस तरीके से हम लोगों को आगे करना है, देखो ध्यान से। और कोफिशिएंट, ये तो क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, इस तरीके से देखो हमारे पास, देखो ध्यान से समझो, तीन चीजें पढ़ना है। एक पढ़ना है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या पढ़ना है बोलो? एक तो हमें पढ़ना है इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक पढ़ना है हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर हमें पढ़ना है देखो क्या, एक पढ़ना है हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज, और फिर हमें पढ़ना है क्या? क्वार्टाइल डेविएशन।
एक पढ़ना है हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर हमें पढ़ना है क्वार्टाइल डेविएशन, फिर हमें पढ़ना है क्या कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल, क्या पढ़ना है बोलो, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्या पढ़ना है बोलो, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देखो मेरे प्यारे दोस्तों समझो ध्यान से, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है हमारे पास Q3 माइनस का Q1, ठीक है, और क्वार्टाइल डेविएशन होता है क्या Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2, Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2, और इस तरीके से कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1, यही बात होती है, ठीक है ना, Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1, ये हमारे पास यही बात होती है। ये तीन ही एक ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इन्हीं तीनों के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। बात आ रही है सुनमें, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल है ना, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल है वो बेसिकली, देखो हमारे पास जो कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल है, ध्यान से समझो, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों समझो ध्यान से, देखो ध्यान से, जो मेरे पास कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल है वो हमारे पास Q3 माइनस का Q1 प्लस का Q3 अपॉन में Q1 है। बात आ रही है समझ में, Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, ये हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल को डिनोट करता है। बोलो मेरे साथ आए ना, कम ऑन,
चलिए सो आगे बढ़ें, बोलो हाँ है ना। होपफुली ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं एक अगली सीरीज में। सो लेके आते हैं भाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे कि हमारा जो ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो रेडी हैं आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए? इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल करेंगे। देखो मैंने आपको अभी भी बताया कि हम लोग बेसिकली तीन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि Q3 माइनस Q1 होता है। फिर हम लोग करेंगे, देखो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, दैट इज Q3 माइनस Q1। फिर हम लोग करेंगे क्या, क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। और फिर हम लोग करेंगे क्या, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल। कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल होता है क्या, रिलेटिव मेजर्स का होता है, दैट इज कॉल्ड क्या, Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1। बोलो हाँ है ना, Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1। ठीक है, आइए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगेन वही हमारे पास जो सीरीज होगी, सबसे पहले सीरीज जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया हुआ है क्या, कि इंडिविजुअल सीरीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं एक बार दिल्ली से, हमारे पास जो सीरियल नंबर है वो लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 है ना, फिर 6 और 7, ये हमारे पास सीरियल नंबर लिखा हुआ है। क्लियर है ना, इस तरीके से हमारे पास जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करके हमने लिखा हुआ है। कोई भी डेटा है, मान के जो एक्स बोल सकते देते हैं डेटा को, और हमारे पास लिखा हुआ 160, 200, 208। क्या लिखा है बोलो जल्दी से, 160, 200, ठीक है, और फिर लिखा हुआ 208, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा हुआ 210, 220। क्या लिखा है बोलो, 210 और 220, ठीक है, फिर लिखा हुआ गया 250 और 300, फिर लिखा हुआ 250 और लिखा हुआ कितना बोलो, 300, ये डेटा लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमें, ठीक है, हमें क्या निकालना है बोलो जल्दी से बताओ, हमें इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ निकालनी है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में, मेरे प्यारे मित्रों, हमें इस क्वेश्चन में इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालना है, इस क्वेश्चन में क्वार्टाइल रेंज भी निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालना है, और फिर हमें कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल भी निकालना है। क्या निकालना है बोलो, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल भी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्या मुझे आप सभी लोग बता सकते हो, मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी से बताइए, जल्दी से कम ऑन। देखो आप सभी को पता होना चाहिए जो Q1 होता है, Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, बेस साइज ऑफ एन प्लस का वन अपॉन में फोर्थ टी एच आइटम। बोलो यही होता है फॉर्मूला, साइज ऑफ वन एन प्लस वन अपॉन में फोर टी एच आइटम। तो हमारे पास जो Q1 आएगा वो क्या आएगा बोलो, साइज ऑफ एन कितना है, एन यहाँ पे कितने नंबर है, 7 है, तो 7 प्लस का 1 अपॉन में कितना, 2, तो अपॉन में टी एच आइटम। बोलो हाँ है ना, तो हमारे पास जो Q1 आएगा कितना आएगा बोलो, तो हमारे पास 8 अपॉन में 2, तो ये हमारे पास फोर्थ आइटम आएगा। क्या आएगा बोलो, फोर्थ आइटम। तो आओ काउंट करते हैं भाई, फोर्थ आइटम कहाँ होगा, यहाँ पे देखो, देखो 1, 2, 3 और ये 4, फोर्थ आइटम हमारे पास देखो ये आएगा ना, तो Q1 कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, 2110 आ जाएगा। देखो हमने क्या निकाल लिया, हमने Q1 निकाल लिया कितना बोलो, 2110। बोलो हाँ है ना, और इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, हमें क्वार्टाइल क्योंकि 3 निकालना होता है थर्ड क्वार्टाइल, तो थर्ड क्वार्टाइल के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 करते हैं क्या, देखो इस तरीके से थर्ड क्वार्टाइल निकालना है हमें, तो थर्ड क्वार्टाइल के लिए जैसे Q3 निकालना है, तो साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ 3 इंटू में एन प्लस वन अपॉन में फोर, क्या करेंगे, 3 इंटू में एन प्लस वन अपॉन में फोर। तो इस तरीके से हमारे पास देखो ध्यान से, 3 इंटू में हमारे पास एन कितना, 7 प्लस का 1 अपॉन में 2, हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो, 7 1 8, 8 अपॉन में 2 कितना बोलो, 4 आ जाएगा। फोर्थ तो मतलब हमारे पास आएगा 12th आइटम। क्या होगा बोलिए जैसे, 12th आइटम। तो क्या हमारे पास जो है ना, सॉरी 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 सॉरी, 4 है ना, तो हमारे पास जो है, एक सेकेंड, 8 अपॉन में 2 थोड़ी आएगा, 4 आएगा ना, ये मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 4 आएगा ना। तो हमारे पास जो है साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन में फोर, तो ये हमारे पास जो जाएगा वो कितना जाएगा बोलो, 7 प्लस का 1 अपॉन में 7 प्लस का 1 अपॉन में कितना बोलो, 4।
तो 8 अपॉन में कितना, 4, दैट इज कॉल्ड क्या, 2। दूसरा आइटम तो ये आएगा Q1, Q1 आएगा हमारे पास 200। Q1 कितना आएगा बोलो, 200 आएगा पक्का। और Q3 कितना आएगा बोलो हमारे पास, यही हमारे पास, क्योंकि 4 से डिवाइड करो इसको जो है, 4 से डिवाइड करो, ये गलत है। तो 3 इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 4, तो 3 इंटू में 7 प्लस 1 अपॉन 8 अपॉन में कितना बोलो जल्दी से, 4, तो 8 अपॉन में 4 2, तो ये 6 आइटम आएगा। और 6 आइटम है कितना बोलो, 250। तो Q1 हमारे पास जो है, देखो ध्यान से, Q1 हमारे पास है 200, और Q1 हमारे पास है 200, और Q3 कितना है बोलो, 250। मैं यहाँ पे बस यही डेटा चाहिए था, हमने निकाल लिया। Q1 हमारे पास है 200, ठीक है, Q1 हमारे पास है कितना बोलो, 200, और Q3 कितना है बोलो, 250। बोलो हाँ, है ना। तो Q1 Q3 आ गया। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल आसानी से, पहले अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस का Q1, तो Q3 कितना है, 250, माइनस का Q1 कितना है, 200, तो आंसर आ जाएगा कितना, 150। मेरी बात नहीं है सुन में, बोलो हाँ है ना। इस तरीके से अगर हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया, इस तरीके से हमारे पास जो है ना, इस तरीके से हमारे पास जो है वो हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। तो जो क्वार्टाइल डेविएशन होगा वो हमारे पास क्या होगा बोलो, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। तो Q3 कितना है बोलो मेरे प्यारे बच्चों, 250, माइनस Q1 कितना है, 200, अपॉन में कितना, 2, तो हमारे पास कितना होगा, 50, 50 अपॉन में 2 कितना आ गया बोलो, बोलो बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, 25, ठीक है। और ये हमारे पास देखो कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल जो होगा, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल का फॉर्मूला होगा Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1, यही बात है बोलो हाँ है ना। तो Q3 माइनस Q1 कितना होगा, तो Q3 माइनस Q1 होगा हमारे पास 250 माइनस का 200 अपॉन में 250 प्लस का 200, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो क्या जाएगा बोलो, ये हमारे पास आएगा 50 अपॉन में कितना बोलो, 2 2 4 450, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45, ठीक है। अब आप जो भी 1 अपॉन में 9 को जो भी आप लोग 0 पॉइंट कुछ समथिंग में लेके आओगे, तो हमारा कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है मुझे बताइए, कम ऑन, आप सभी लोग, जितने भी सभी लोग लाइव स्टूडेंट्स हैं, एक बार जल्दी से बताइए, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत कोई परेशानी है एक बार जरूर बताएं, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से बताओ फास्ट। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, क्वार्टाइल इंटर क्वार्टर, देखो हमारे पास एक डेटा था, इस डेटा से हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट किया, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया, और हमने कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल कैलकुलेट किया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो एक बार मुझे जरूर बताएं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है कोई समस्या है एक बार जरूर मुझे बताएं, कम ऑन। चलिए कंफर्म हो गया, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास अगला है, मैं आप सभी लोगों को एक अगला क्वेश्चन भी देता हूं, और आप सभी लोग जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाइए। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, देखो हमें क्या करना है बोलो, हमें इस क्वेश्चन में हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है एंड कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, हमें क्वार्टाइल डेविएशन और कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। क्वार्टाइल डेविएशन और कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है, आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारे पास डेटा दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 55, ठीक है, 55 60 70, ठीक है, 55 60 70 90 90, कितना गया 90 90, 110 120, कितना गया बोलो, 110 सॉरी कितना गया 100 सॉरी 110 और कितना जाएगा 120, ठीक है, 130 145 130 130 और कितना बोलो 145, ठीक है, 130 और 145, 155 और 170, 155 और कितना बोलो 170, बात आ रही है सुनने। तो अब आइए हम लोग देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन और कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने की कोशिश करते हैं, कम ऑन, एक बार जल्दी से हम लोग क्या करते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन निकालने की कोशिश करते हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए हमारे पास 55, 60, 70, 90, 90। एक बार जल्दी से इसमें क्वार्टाइल डिवीजन और कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालिए, फास्ट फास्ट निकालो जल्दी से, जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से क्वार्टाइल डिवीजन और इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालिए, फास्ट जल्दी से निकालो। ओके निकाल लिया, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों एक बार जल्दी से बताइए, ये सारे आंसर्स निकाल लिए, आगे बढ़े। जल्दी बताइए फास्ट। चलिए होपफुली कैलकुलेट कर लिया होगा, आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है दूसरा देखते हैं हम लोग, देखो क्या हमारे पास, देखो कैलकुलेट द, एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखो कैलकुलेट लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं पहले इसको क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ठीक है लिखा कैलकुलेट द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। ठीक है ना, हमें लोअर एंड अपर क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना है, बात आ रही है सुनिए। कैलकुलेट द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल व्हेन क्वार्टाइल डिवीजन इज 10। अगर हमारे पास व्हेन
क्वार्टाइल डेविएशन जो कितना दिया हुआ है बोलो जल्दी से, 10 दिया हुआ, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.5, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास 0.5 दिया हुआ है, पक्का। अब हमारे पास देखो क्या, सबसे पहले देखो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, यही बात है ना, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 यही होता है ना, और कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल क्या होता है बताओ, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल जो होता है, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल जो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, यही बात होती है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1, तो Q3 माइनस Q1 नहीं पता, क्वार्टाइल डेविएशन पता है हमारे पास, 20 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, 20 अपॉन में Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो Q3 माइनस Q1 की जो वैल्यू आएगी 20 इंटू में 2, मतलब क्या Q3 माइनस Q1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास 40, हाँ है ना, इस बात से सहमत है नहीं। अब इस तरीके से अगर कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल निकालना है तो कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल 0.5 दिया हुआ है, Q3 माइनस Q1 की वैल्यू हमारे पास आएगी कितना बोलो जल्दी से, 40 अपॉन में Q3 प्लस Q1, तो अब कुछ नहीं करना भाई, तो अब क्या करना है देखो जल्दी से, Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 40 अपॉन में कितना बोलो 0.5, 40 पॉइंट है 0 बढ़ा है 5 40 0, तो Q3 प्लस Q1 जो आएगा, Q3 प्लस Q1 आएगा वो आएगा 80, कितना आएगा बोलो, Q3 प्लस Q1 आएगा कितना बोलो 80, बोलो हाँ है ना, तो Q3 माइनस Q1 हमारे पास है 80, Q3 प्लस Q1 हमारे पास कितना बोलो जल्दी से, Q3 प्लस Q1 हमारे पास कितना है बोलो 80, बात आ रही है समझ में, बोलो हाँ है ना, जरा सा भी कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, कम ऑन फास्ट। और जब ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई हैं तो इसको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट मेथड से कर सकते हो कि भाई अगर Q3 की वैल्यू क्या है, Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू क्या है, 40 है ना, ठीक है, तो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 40 प्लस Q1, यही होगा ना, 40 प्लस Q1 पक्का, तो एक काम करो Q3 प्लस Q1 में यही लिख दो भाई, Q3 की वैल्यू कितना, 40 प्लस Q1 है ना इज इक्वल टू 40 प्लस Q1 है ना इज इक्वल टू प्लस का क्या होगा बोलो जल्दी से Q1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 80, अब यहाँ पे लगा दो कि 40 प्लस 2Q2, ठीक है 2Q1 है ना इज इक्वल टू 80, तो हमारे पास जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बोलो, ये 40 हो जाएगा, तो 2Q1 इज इक्वल टू 80 माइनस का 40, तो Q1 इज इक्वल टू 40 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, Q1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 है ना, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो हमारे पास 20 आ जाएगी, Q1 की वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी बोलो, Q1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बोलो कितनी बोलो, एक सेकेंड हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया, Q1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 10 और Q3 की वैल्यू आएगी हमारे पास 30, Q1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 10, Q3 की वैल्यू आएगी 30, बस आपको कुछ नहीं करना, सब्सटीट्यूट कर देना, वैल्यू को निकाल सकते हो आराम से, आप लोग वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके आप लोग आराम से निकाल सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अब मुझे बताइए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कम ऑन जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताओ फास्ट, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप सभी को करना है, कम ऑन। देखिए हमारे पास देखो मार्क्स दिया हुआ है, हमारे पास मार्क्स दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, कितना दिया बोलो जल्दी से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है ये मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारे पास मार्क्स दिया हुआ है, और फिर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, क्या दिया बोलो जल्दी से, मार्क्स के बाद हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है हमारे पास 3, 5, 10, 12, 6, कितना दिया बोला जल्दी से, 3, 5, 3, 3, 5, ठीक है 3, 5, ठीक है ना, पास संयोजन से 3, 5, 10, 12 और ये कितना बोलो जल्दी से 6, 3, 5, 10, 12, 6 और कितना बोलो जल्दी से 4, है ना 3, 5, 10, 12, 6 और 4 ये दिया हमारे पास। अब जल्दी से क्या करना है कि रेंज निकालना है, ठीक है ना, आप सभी को क्या निकालना है बोलो जल्दी से, आप सभी को रेंज निकालना है और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है
ऑल्सो कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, रेंज ऑप्टेंड, रेंज ऑफ मार्क्स ऑप्टेंड बाई मिडिल 50% ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ लिखाना है, मैंने लिखा भाई कि आपको रेंज निकालना है, रेंज ऑप्टेंड बाई मार्क्स, ठीक है, रेंज ऑप्टेंड बाई मार्क्स, ठीक है, रेंज ऑप्टेंड बाई मार्क्स, ठीक है, रेंज ऑप्टेंड बाई मिडिल, सॉरी रेंज ऑप्टेंड बाई मिडिल 50% ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, 50% ऑफ द स्टूडेंट, हमें क्या करना है बोलो, रेंज ऑप्टेंड बाय द मिडिल 50% ऑफ द स्टूडेंट निकालना है और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। एक बार जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, कम ऑन, एक बार जल्दी से सभी लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे और मुझे बताएंगे कि कितना आंसर आएगा, फास्ट, थोड़ा सा डेटा है, लेंथी है, मगर आप सभी को बताना है क्योंकि आप सभी लोग बताओगे तभी हम तो आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, एक बार जल्दी से सभी लोग मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी से बताओ फास्ट, निकालिए फास्ट जल्दी से बताओ कितना आंसर। कैलकुलेट करके दिखाइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से, एक बार कैलकुलेट करके दिखाइए, कम ऑन जल्दी से फास्ट,
चले निकाल लिया होगा आप लोगों ने, कमांड जल्दी से बताइए फास्ट। जल्दी निकालिए, फास्ट निकालिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से एकदम फास्ट आपको कैलकुलेट करना है, एकदम फास्ट बताइए जल्दी से कितना आंसर है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेंज ऑब्टेन्ड बाय द मिडिल 50% ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज वो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इस वाले डेटा से हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो कोई खास बात नहीं है। देखो किस तरीके से निकालेंगे, बहुत आसानी तरीके से हम इस इंटर क्वार्टाइल रेंज की सीरीज को निकाल सकते हैं, कोई भी मतलब ऐसा कोई मतलब तकलीफ वाली बात नहीं है। देखो कैसे इंटर क्वार्टाइल रेंज को निकालेंगे, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको क्या निकाल देना है, बोलो यहाँ से सीएफ निकाल देना है। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, सीएफ निकाल देना है। कैसे, ये तीन है और तीन और पाँच कितना आठ हो जाएगा, आठ और दस कितना अठारह हो जाएगा, अठारह बारह कितना हो जाएगा तीस, अठारह दो बीस, दस तीस, ठीक है। तीस और छः कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, छत्तीस और चार कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, पक्का। अब आपको क्या करना है, बोलोगा जैसे क्यू वन निकालना है, क्या निकालना है, बोलो क्यू वन निकालना है। तो क्यू वन क्या होता है, साइज ऑफ एन प्लस, ठीक है, साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन में फोर, यही होता है ना, एन प्लस का वन अपॉन में फोर टी एच आइटम, नहीं है बस में। तो अगर हम लोग क्यू वन की बात करें, तो साइज ऑफ की बात करें, तो साइज ऑफ क्या होगा, एन कितना होगा 40 प्लस का वन अपॉन में कितना, बोलो फोर, तो अपॉन में टी एच आइटम, तो मेरे पास 40 प्लस वन कितना 41, 41 अपॉन में फोर, तो ये चार धाम में 40, 10.25 है ना। तो 10.25 कहाँ लाई करेगा, आठ के आगे लाई करेगा, एट के आगे लाई करेगा, मतलब क्या क्यू वन हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो सिक्स हो जाएगा, हाँ है ना। तो इस तरीके से जो Q1 की वैल्यू आई हमारे पास, वाई कितनी बोलो, Q1 की वैल्यू आई कितनी बोलो, 6 है, पॉजिटिव, हाँ है ना। इस तरीके से अगर मैं Q3 की बात करूँ तो 3 इंटू में, है ना, Q3 की बात करूँ तो 3 इंटू में साइज ऑफ n प्लस का 1 अपॉन में 4 टी एच आइटम, नहीं बस इनमें, ठीक है। तो Q3 की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास साइज ये 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करो ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास देखो ये हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, बोलो 40 प्लस का 1 अपॉन में कितना 4 टी एच आइटम, बोलो हाँ है ना। तो हमारे पास ये 41 अपॉन में कितना 4, तो ये हमारे पास चार धाम में 40 10.25 इंटू में कितना 3, तो 10.25 इंटू में 3 करेंगे तो 30.75 आएगा, कितना आएगा बोलो 30.75 टी एच आइटम। जरा सभी को दिक्कत है क्या, नहीं। तो अब 30.75 हमारे पास कहाँ लाई करेगा, इस 30 से आगे, 36 से पहले, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है ये Q3 हो जाएगा, तो Q3 ये हो जाएगा और Q1 कितना हो जाएगा बोलो ये हो जाएगा, हाँ है ना। अब हमें क्या करना है बोलो, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए Q3 माइनस का Q1, है ना। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए जो Q3 कितना है, Q3 हमारे पास 10 माइनस Q1 कितना 6, तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होगा हमारे पास कितना होगा बोलो 0.4, हाँ है ना, पक्का। और अगर हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन की बात करें तो Q3 माइनस का Q1 अपॉन में कितना बोलो 2, तो क्वार्टाइल डिवीजन जो होगा हमारे पास Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 कितना होगा 10 माइनस का 6 अपॉन में कितना बोलो अपॉन में कितना 2, 10 माइनस 6 कितना होगा 4 अपॉन में कितना 2, दैट इज आंसर कितना आएगा बोलो पॉजिटिव का 2, हाँ है ना, दैट इज क्या आंसर आएगा बोलो पॉजिटिव का 2। इस तरीके से हमने क्या करेंगे, क्या करना है बोलो कि Q3 माइनस Q1 निकाल दिया और हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल दिया, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकाल दिया और हमने
चलिए होपफुली आपको आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम सभी लोग, देखो ये मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया हालांकि, और बाकी आपको कैलकुलेट करना था इस वाले सवाल को। अब हम सभी लोग क्या करेंगे कि आगे जो है हम लोग मीन डेविएशन पढ़ेंगे, जो अगली क्लास होगी ना उस क्लास में हम सभी लोग मीन डेविएशन पढ़ेंगे, ठीक है। अगली जो क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग मीन डेविएशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या पढ़ेंगे बोलो जल्दी से, मीन डेविएशन हम लोग क्या करेंगे बोलो, मीन डेविएशन को हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्या एक क्वेश्चन दूं मैं, आप सभी लोग करके दिखाएंगे क्या? एक क्वेश्चन कहिए तो मैं दे देता हूं, आप लोग करके दिखाएंगे क्या बताइए मुझे जल्दी से फास्ट। अगर एक क्वेश्चन दूं मैं तो करके दिखा दीजिए, इसके बाद फिर हम लोग मीन डेविएशन नेक्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं और एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, ठीक है ना। ठीक है, स्टार्ट करें क्या? हमारे पास जो साइज दिया हुआ था वो दिया हुआ था हमारे पास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है, 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 और 20 से 25, ठीक है, और 25 से 30, ये हमारे पास साइज दिया हुआ था, ठीक है। अभी हमारे पास साइज दिया हुआ था 3, 9, 15, 23, 30, हमारे पास है 3, 9, 15, 23, 3, 9, 15, 23 और ये हमारे पास 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर हमारे पास दिया हुआ, देखो बोलो 20 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास ये x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बोलो जल्दी से, ये x दिया, सॉरी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ये x दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, देखो वही सॉरी इसमें आपको निकालना है, फाइंड आउट करना वही तीन चीजें, क्या इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, फिर निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर आपको निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन, देखो ध्यान से, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, और फिर हमारे पास निकालना है क्या, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल, क्या निकालना है बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल। ये आपको तीन चीजें जो है आपको निकालने की जरूरत है, यथावत जल्दी से आप सभी लोग निकाले, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 - Q1, क्वार्टाइल डेविएशन, देखो हमें इस पूरे डेटा में तीन चीजें निकालनी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो निकालना है हमको, बात को ध्यान से समझो, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो भाई जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा Q3 - Q1 होगा, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1/2, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1/Q3+Q1, ये आंसर होगा। जल्दी से फास्ट कैलकुलेट करके दिखाइए, कम ऑन सभी लोग, बड़े आगे आगे। होपफुली कर लिया होगा कैलकुलेट, एक बार जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से सभी को बताना है, सभी ने कैलकुलेट कर लिया, कम ऑन जल्दी से बताओ फास्ट, बोले जल्दी से फास्ट, कम ऑन।
आप सभी लोगों ने डेटा को कैलकुलेट कर लिया, कम ऑन जल्दी से मुझे बताइए। बताइए जल्दी से फास्ट। सो होपफुली मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों ने डेटा को कैलकुलेट कर लिया होगा। एक बार जल्दी से मुझे आप सभी को बताना है कि क्या आपने डेटा कैलकुलेट कर लिया, यस और नो, जल्दी से कमांड फास्ट बताइए जल्दी से। सो होपफुली आप सभी लोगों ने डेटा को कैलकुलेट कर लिया होगा। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ ये डेटा आपने प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर लिया होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। पक्का? कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल। अब आगे बढ़ें, जल्दी से बताइए फास्ट, हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, सो एक बार जल्दी से आप सभी लोग, जितने भी सभी लोग लाइव हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को हम लोग अब क्या करते हैं, आगे लेके चलते हैं। कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, सो आगे जो भी चीज़ें होंगी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। सो आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। एंड लेट्स क्रैक इट मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर दीजिए और प्रायर दीजिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप एक कोड इस्तेमाल करना ना भूलें। इसका नाम है सुचिटन। ये जो कोड है आपके स्क्रीन के सामने, ये जो कोड इस्तेमाल करना ना भूले, SUCHIT सुचिटन। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा और फिर आप उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। आप सभी लोग वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कंटेंट को तैयार करते रहिए। ठीक है, बढ़े आगे, जल्दी से बताओ फास्ट। चलिए, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।